जय हिंद साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का इस मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज रेलवे एनटीपीसी और बीएसएससी का बहुत स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट का मैच चल रहा है, आप लोग ध्यान देंगे और अच्छा लगेगा। लाइक कमेंट्स तमाम लोगों को शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आप भी पढ़िए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी, ये दूध है और पानी का अनुपात जो है वह 4:1 है। उसके बाद कहता है यदि यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 4:2 हो जाता है। आप देखिए, कहता है इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया तो क्या हो जाता है भाई? तो कहता है कि 4:2 हो जाता है। तो कहता है कि इस मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी है, बस मात्र 1 सेकेंड लगेगा बनाने में। 1 सेकेंड, देखिए। तो पानी पहले देखिए, दूध तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और बराबर नहीं रहता बराबर करना पड़ता, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पानी का पार्ट यहाँ पर 1 और यहाँ पानी का पार्ट 2, 1 से हो गया 2, इसका मतलब कितना बढ़ गया पानी डालने के बाद, इसका मतलब अंतर कितना हो गया 1, 1 बराबर कितना हुआ 7। जब 1 = 7 तो 7 से इसमें गुना कर दीजिए, 7 से इसमें गुना कर दीजिए, निकल गया 7 चौक कितना, 28 लीटर हो गया दूध और 7 लीटर हो गया पानी, निकल गया आंसर। बस इसी तरह से बनाना है, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि पिता की वर्तमान उम्र, अब देखिए क्या है, पिता की वर्तमान उम्र या पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए, ये पिता है मान लिया जाए और ये पुत्र है। कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र का अगर 1 है तो यहाँ पर इसका कितना हो गया 3, रेशियो बन गया। उसके बाद कहता है 10 वर्ष के बाद, इसका मतलब है 10 वर्ष के बाद क्या होता है, 10 वर्ष के बाद क्या होता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। इसका मतलब है कि इसका मतलब 1 अगर होगा तो यहाँ पर 2 होगा। 10 वर्ष के बाद क्या होता है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना हो जाता है 2 गुनी। यहाँ रेशियो बन गया 3:1 और यहाँ बन गया 2:1। अब देखिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो इसका अंतर और इसका अंतर सेम होना चाहिए। देखिए, 3 में 2 घटाएंगे तो अंतर कितना था 1, 1 में घटाएंगे 0, यहाँ अंतर सेम तो नहीं है। लेकिन सेम अंतर करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको इसमें घटा दिए, 2 में घटाएंगे 1 और 3 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 2। अभी 2 से गुना करेंगे हम 2 में और 2 से गुना करेंगे हम 1 में और 1 से गुना करेंगे इसमें, 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितना हो गया, ई हो जाएगा 3:1 और 2 दूनी कितना हुआ 4 और 2 गुना 1 कितना हुआ 2। देखिए अब अंतर हो गया कितना, सेम 4 में 3 घटाएंगे 1, 2 में 1 घटाएंगे 1, अंतर सेम। जितना का अंतर है उतना बराबर कर दीजिए, ये 1 = 10, 1 = 10। तो पूछता है किसका भाई, तो वर्तमान में पुत्र तथा पिता की उम्र क्या है, ये वर्तमान उम्र का रेशियो है। तो 10 को उठाइए, 10 को गुना कर दिए 3 में, तो 10 दिया कितना हो गया भाई, 10 से गुना करेंगे इसमें, 10 से गुना करेंगे इसमें, 10 दिया कितना हुआ 30 वर्ष और 10 × 1 = 10 वर्ष। पिता का उम्र 30 वर्ष और पुत्र का उम्र कितना हो गया 10 वर्ष, ये वर्तमान आयु, ऐसे ही निकालेंगे। चलिए, तो आंसर आपके आगे 30 वर्ष और 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक एक निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। मान लिया जाए दफ्तर यहां पर है, यहां पर दफ्तर है और उसका घर यहां पर है, ठीक है, ये घर यहां पर, यहां से यदि स्कूटर से यहां तक जाता है, जब एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर तक एक निश्चित दूरी, यानी पूछता है यहां से लेकर ये दूरी एक निश्चित दूरी है, तो स्कूटर से जब तय करता है तो यदि उसका स्पीड रहता है, इस घर से दफ्तर जाने में उसका स्पीड रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो कहता है कि औसत चाल से चले तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है, यानी यहां पहुंचता है 20 मिनट देर से पहुंचता है जब उसका स्पीड रहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वही फिर क्या करता है, यदि घर से अगर वह स्पीड चलता है कितना 80 का, जब स्पीड से चलता है तो क्या करता है, ये दफ्तर जो है ना, ये दफ्तर कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कहता है बताइए, इस घर से
दफ्तर के बीच की दूरी क्या है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए इस स्पीड से भी इधर इसी दिशा में जा रहा है, इस स्पीड से भी इसी दिशा में जा रहा है, कहने का मतलब है। तो स्पीड क्या क्या दिया हुआ भाई, स्पीड आपका दिया हुआ है 60 और 80 दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर 20 मिनट देर से और यहाँ 10 मिनट पहले, ये दोनों समय का अंतर कर देंगे, अंतर मतलब घटाने का मतलब काम करेंगे, तो 20 मिनट घटाएंगे नहीं, पहले का मतलब देर से मतलब हुआ +20, पहले इसका मतलब -10, बड़ा में यदि हम छोटा को घटाएंगे तो अंतर का कितना हो जाएगा 30 का। अब देखिए ये मिनट में है, ये मिनट में है, अब हमें दूरी निकालना कि यहाँ तक यहाँ निश्चित दूरी कितना है। एक बार दोनों को गुना कर दीजिए चाल को, इस स्पीड को दोनों को एक बार गुना कर दीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही चाल से जा रहा है एक ही दिशा में, 80 में 60 घटा दीजिए कितना हुआ 20, और 30 मिनट को घंटा बना दीजिए 60 से भागा, बस हो गया आंसर। यहां से लेकर यहां तक दूरी निकल गया, काटिए इसको 30 दूनी 60, 20 चौक 80, 2 दूनी 4, 60 दूना 120, इसका मतलब 120 किलोमीटर का दूरी था, घर से दफ्तर के बीच की दूरी 120 किलोमीटर की दूरी था, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल है कि दो पाइप है, ये पानी और टंकी वाला प्रॉब्लम है भाई, ये पानी और टंकी और नल वाला जो हिसाब बनाए होंगे, टंकी नल वाला जो हिसाब बनाए होंगे, टंकी और नल वाला जो हिसाब बनाए होंगे उसी पर आधारित है, बहुत जबरदस्त है। कि दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। देखिए तो यहां पर पाइप ए है, एक पाइप बी है, एक किसी हौज को, मान लीजिए किसी हौज को जो है ये भरता है कितना में भाई, ए भरता है 30 मिनट में और बी भरता है इसी हौज को 40 मिनट में। अब कहता है कि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, एक साथ दोनों को खोल दिया जाता है, लेकिन यदि हौज को 24 मिनट में भरना है, इस हौज को टोटल कितना मिनट भरना है भाई, 24 मिनट में इस हौज को भरना है, तो कहता है कि दूसरे पाइप को कब बंद किया जाएगा, इस दूसरे पाइप को कब बंद कर दिया जाएगा ताकि वह 24 मिनट भर जाएगा। तो ये बी को कहता है कितने मिनट के बाद इसको बंद कर दिया जाए, जबकि इस टंकी को भरना कितने में है, 24 मिनट में फुल हो जाना है। तो देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। अब कहने का मतलब है कि ये 30 मिनट है, ये 40 मिनट है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसमें कितना, इसमें कितना इसकी क्षमता है उसका उतना निकल जाएगा। 30 और 40 का यदि हम लेते हैं एलसीएम तो कितना हुआ 120, 120 हो गया, मान लिया 120 लीटर की क्षमता है ये टंकी का। अब 30 मिनट में भरता है 120, इसका कैपेसिटी क्या हो गया भरने का एक मिनट में 30 चौक 20 से, और इसका कैपेसिटी क्या हो गया एक मिनट में 40 किया 120। अब बताइए ये कहता है कि बी वाले को जो है कब बंद किया जाए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ए तो चालू ही रहेगा, ए को तो बंद नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ए चलेगा 24 मिनट तक, तो एक मिनट भरता है ये चार पार्ट, तो 24 मिनट में कितना भरेगा, 24 चौक कितना हो गया 96, अब इसमें घटा देंगे, इसमें घटा देंगे कितना होगा 10 में छो गया 4 और 11 में 9 हो गया 2, इसका मतलब है कि 120 लीटर की जो क्षमता है उसमें ये 96 लीटर भर दिया 24 मिनट में कौन ए, लेकिन अब तो ए बी को तो भी भरना है, इसका मतलब जो 24 बच गया है अब बी को भरना है, इसका मतलब यदि इसका कैपेसिटी से भाग देंगे 24 में 3 से, तो 3 और 8 कितना हुआ 24, इसका मतलब 8 मिनट के बाद जो है ये पाइप बी को बंद करना पड़ेगा ताकि वह टंकी जो है ना पूरे 24 मिनट में फुल हो जाएगा। ये हुआ एक तरीका से। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए कैसे बनाता है दूसरा तरीका। जो देखिए ए जो है क्या भरता है भाई, ए पाइप ए और पाइप बी, ये भरता है 30 मिनट में और ये भरता है कितना भाई 40 मिनट में। ध्यान रखेंगे हौज को भरना है पूरे कितना 24 मिनट में, ये ध्यान रखना है। ऐसे प्रॉब्लम में ध्यान रखेंगे कि किसको बंद किया जाता है, किसको बंद करना है, तो पाइप बी को बंद करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं, जिसको बंद करना है उसको कुछ नहीं करना है, बचा कौन भाई ये बच गया, ये दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो 30 में से अगर 30 में से 24 घटा दीजिए तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 6, इसका मतलब लिखेंगे 6 बटे, इसका मतलब बड़ा पार्ट कौन है ये दोनों में 30, उसके बाद इसमें गुना किसको बंद करना है पाइप बी को, कितने मिनट के बाद पता चल जाएगा, तो 6 5 30 15 40, 8 मिनट के बाद जो है पाइप बी को बंद करना पड़ेगा ताकि वह फुल जो टंकी है वह 24 मिनट में पूरी टंकी जो है वह भर जाएगा।
ये हुआ बनाने का दो तरीका। अब है क्या, एक लास्ट सवाल बहुत जबरदस्त है, लास्ट सवाल बहुत जबरदस्त है, जरा देखा जाए। ये आपका एडवांस मैथ का, याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री से याद रखिएगा, कि यदि कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर रूट टू कॉस ए, ये ध्यान रखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए बराबर रूट टू कॉस ए, तो पूछता है कॉस ए माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन भी देख रहे होंगे आप, लेकिन जब ऐसा दिया रहे तो लड़के लोग आइडिया से मार देता है, कोई जीरो मार देता है, कोई वन मार देता है, नहीं ऐसे नहीं मारना है। इसका सही आंसर क्या होगा आप देखेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर रूट टू कॉस ए दिया हुआ, कहता है कि इसका वैल्यू कॉस ए माने साइन ए, जब इसका वैल्यू कभी भी ऐसा इसके बराबर जब दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, और जब इसका मान पूछे तो ध्यान रखेंगे कि ये जो दिया हुआ है रूट देंगे, रूट के अंदर दो लिखेंगे, ये हमेशा दो लिखाएगा और माइनस भी हमेशा लिखाएगा। जो इसका वैल्यू दिया हुआ है इसका स्क्वायर करके यहां लिख दीजिए, रूट टू कॉस का स्क्वायर करेगा क्या हो जाएगा भाई, टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके यहां लिख दीजिए, टू कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, वन माइनस कॉस स्क्वायर। आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर, इसका मतलब टू इंटू साइन स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा तो रूट टू साइन ए, यही मारेंगे आंसर होगा। अच्छा लगा, लाइक कमेंट्स तमाम लोगों के बीच शेयर कर दिए भाई, ये बहुत रेलवे एनटीपीसी बीएसएससी का ये स्टैंडर्ड मैथ का, आप देखें आप अभी, अगर मजा आया अच्छा लगा अपने दोस्तों को भी भेजिए इसको, और उसको कहिए कि इस मैथ को एक बार भाई पुनः देखो, अगर तरीका अच्छा लगता है तुम भी किसी अपने साथी को भेज दो। तो चलिए इसी के साथ आप सबों को फिर से एक बार नमस्कार, बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने आपका अपना YouTube चैनल सफलता कोचिंग सेंटर बनमनखी पर। सामान्य अध्ययन का भी बेहतरीन स्पेशल टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, मैथ का भी चलेगा और सामान्य अध्ययन का भी लगातार चल रहा है। जय हिंद साथियों।